हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम और आमले की चटपटी और खट्टी मीठी लौंजी। चलिए इसे बनाते हैं। मैंने आधे केजी कच्चे आम को छीलकर अच्छे से काट लिया है और 5 से 6 आमले लिए हैं। आमलों को मैंने कुकर में डालकर 2 विसल ले लिया था। अब कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। उसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी, 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ डालकर अच्छे से भूनेंगे। फिर हम इसमें कटे हुए आम और आमले को डालकर चलाएंगे और 1 से 1.5 ग्लास पानी डालकर ढककर पकाएंगे। अब देखिए, आम और आमला अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी गुड़ और 1/2 कटोरी चीनी। इन दोनों चीजों को घुलने तक पकाएंगे। देखिए, गुड़ और चीनी दोनों अच्छे से घुल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, स्वाद अनुसार सादा नमक और काला नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए लौंजी को पकने देंगे। चटपटी खट्टी मीठी लौंजी तैयार है। इसे पूरी, कचौड़ी या पराठों के साथ सर्व कीजिए। खाने का स्वाद बढ़ाता है ये टेस्टी लौंजी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।